कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सुबह अभी बज रहे हैं सुबह के 8। सुबह अभी मेरे को जाना है कुछ काम से, रूही का बर्थडे है तो स्कूल में सेलिब्रेट करेगी, तो उसके केक वगैरह और सामान वामान दे के आना है। तो चलते जल्दी से, और जिम में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि काम है और लेट हो जाएगी, बाकी शाम को जाएंगे, देखते जो भी होता है। रूही का बर्थडे तैयार हो चुका है केक और अंकल ने तैयार कर दिया है, बाकी चलते हैं स्कूल को, स्कूल को लेके। अच्छा ये फिर आप देखा होगे वहाँ। सो गाइस, रूही के स्कूल में हम देखे आ चुके हैं केक वगैरह, बाकी अब जा रहे हैं बुआ के वहाँ, उनके वहाँ कीर्तन है तो उनके वहाँ कुछ काम भी है, सामान भी देना है, तो चलते हैं जल्दी से। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं बुआ के वहाँ, बाकी बुआ भी पूजा कर रही है और जैसे काम निपटता है यहाँ पे चलते हैं वापस घर को। सो पूरा सामान हम ला चुके हैं मार्केट से, बाकी जल्दी से काम निपटाते हैं, बाकी फिर चलते हैं घर को। भूख भी लगी है बहुत और थकान हो चुकी है, बहुत ही गर्मी हो रही है आज मुझे। सो गाइस, अब जा रहे हैं घर को, बाकी रूही भी आ गई होगी, रूही से पूछेंगे उसका बर्थडे कैसा रहा स्कूल में, तो चलते हैं जल्दी से। दरवाजा खोलो, मजा आया स्कूल में? किस किस को खिलाया केक तूने? आईफोन है। तूने किस किस को खिलाया केक? दद्दाई तो देने आए थे केक, चाचा और दद्दा। तूने कैसे किया बर्थडे सेलिब्रेशन बता, केक कैसे काटा आपने? केक मैं लेके आया था, हाँ जल्दी बता केक कैसे काटा आपने, कैसे काटा केक बताओ। रूही आपने किस किस को केक खिलाया फिर? और केक कैसे काटा आपने? और केक कैसा लगा आपको? अच्छा हो रहा था केक? केक कैसा हो रहा था? क्या कह रहा हूँ, केक कैसा हो रहा था? अच्छा हो रहा था। और गाना कैसे गा रहे थे सब बताओ। सो गाइस, अभी जरा मैं कुछ काम से आया था, मेरा मॉनिटर खराब है तो प्रोजेक्टर कनेक्ट करके मैं जरा ड्राइव से किसी के यहाँ शूट किया था ना अनिश भाई लोग का, तो उनकी क्लिप्स निकाल के उनको दे रहा हूँ। फिर करते हैं खाना, फिर करते हैं लंच, और मैंने चिकन करवाया था पर जिम गया नहीं, अब चिकन खाना पड़ेगा मुझे, अभी दिन में चिकन खाता हूँ। और फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाकी कल रूही का बर्थडे है तो उसकी तैयारी भी करनी है। सो गाइस, अपना काम हो चुका है कम्प्लीट और खाते हैं खाना, और खाने में चिकन ला चुका हूँ मैं, बाकी मम्मी खाना दे रही है, तब तक का हाथ मुँह धोता हूँ मैं और खाना खाते हैं, फिर देखते हैं शाम का सीन। शाम को जिम जाऊँगा, जल्दी जल्दी जाऊँगा, 4:30 तक जाऊँगा, जल्दी से लेग्स आज लेग्स मार के आ जाऊँगा, बाकी कल की तैयारी करते हैं जो भी होता है सीन। सो गाइस, खाना खाने के बाद कुछ काम से जा चुका था और उस काम में इतना टाइम लग गया और इतना परेशान थकान हो गई थी कि रात हो चुकी है और ना सुबह जिम जा पाया मैं, ना रात हो गई, अब रात को भी नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब मन तो कर नहीं रहा बिल्कुल जाने का, अब कितनी थकान हो चुकी है तो क्या ही जाऊँ। बाकी सोच रहा हूँ अब सुबह जाऊँगा कल को, बाकी रूही का बर्थडे भी है कल को, तो देखते हैं। बाकी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, रूही ने स्कूल में अपने क्लास में कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो वो आपको दिखाते हैं, बाकी उसके बाद करते हैं ब्लॉग को एंड। तो उसको देख के जाना कि रूही ने कितना अच्छा सेलिब्रेट किया अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ, तो वो दिखाता हूँ आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रूही, हैप्पी बर्थडे रुद्राक्षी से थैंक यू।